दोस्तों सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसका यूज सिंपली म्यूजिक को स्टोर करने में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह फैक्ट्री में इस सीडी को बनाया जाता है। दोस्तों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, उस घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों सीडी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जानते हैं यह सीडी आई कहाँ से? तो चलिए ये भी मैं ही बता देता हूँ। सन 1931 में जेम्स रूसेल का जन्म वॉशिंगटन में हुआ था। यह एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब करते थे। दोस्तों ये एक म्यूजिक लवर थे, इन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें लॉन्ग टाइम तक इन सॉन्ग्स को स्टोर किया जा सके। जिन्होंने सोचा, बहुत सोचा और सोच के दिमाग लगाया और उसके बाद लाइटिंग वेव का यूज करके एक सीडी तैयार कर दी। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरह इसे बनाया जाता है। इस कॉम्पैक्ट डिस्क को जनरली टाइप से प्लास्टिक ग्लास से तैयार किया जाता है, जिन ग्लास को अदर ग्लास फैक्ट्री से मंगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ इस राउंड ग्लास के सरफेस को सॉफ्ट ब्रशेस द्वारा अच्छी तरीके से क्लीन और चिकना बनाया जाता है। यहाँ इस डिस्क को लेजर एनालाइजर में भेजा जाता है, जो इसकी सफाई की अच्छी तरीके से जांच करती है। इस स्टेज में इस डिस्क पर दो केमिकल को लगाया जाता है, एक प्राइमर और दूसरा फोटो रेसिटेंट कोटिंग को। यह प्रोसेस लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस द्वारा यह डिस्क चमकीली और चिकनी बनती है। अगली प्रोसेस में इस डिस्क पर निकल और वेनेडियम की कोटिंग की जाती है, जिससे इस डिस्क में डाटा स्टोरेज हो पाता है। इस प्रोसेस के बाद इस डिस्क की फिनिशिंग की जाती है तथा डिस्क को अपना गोल शेप देकर एक्स्ट्रा मटेरियल को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिन्हें अगली डिस्क बनाने में काम में लिया जाता है। यह डिस्क एक स्पेशल प्लास्टिक से बनी होती है, जिसे पॉलीकार्बोनेट कहा जाता है, जिसे लिक्विड में बदलकर इस ग्लास को तैयार किया जाता है। अब यहाँ एक सपोर्टिंग मशीन इस डिस्क की ऊपरी सतह पर एल्यूमिनियम और निचली सतह पर फिल्म की लेयर को ऐड करती है, ताकि इस सीडी के डाटा की सेफ्टी बनी रहे। इस फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 1,00,000 डिस्क को रोज रेडी किया जाता है। बाद में इन डिस्क पर कंपनी की लेबलिंग करके, इनकी अच्छी तरीके से क्वालिटी चेकिंग करके बाद में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में कॉम्पैक्ट डिस्क को बनाया जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।